अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। तो व्यूअर्स, आज का ये छोटा सा कामयाब अमल कद को बढ़ाने के लिए है। आजकल सबसे अहम मसला है कि कद का ना बढ़ना। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। इस मसले के सबब लड़कों और लड़कियों के जल्द रिश्ते तय नहीं हो पाते, तो आप इस अमल को कीजिएगा। इस अमल को करने की मुद्दत 6 महीने है। यकीने कामिल शर्त है, नमाज और रोज़ा की पाबंदी लाजिम है, गुनाहों और झूठ से बचना और सच बोलना शामिल है। आप आधा गिलास पानी ले लीजिए। पहले आप दरूद इब्राहिम एक बार पढ़िए, इसके बाद फिर आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 और ये कलमात को पढ़िए 3 मरतबा। पढ़ने के बाद आप एक बार फिर से दरूद इब्राहिम पढ़कर गिलास पे फूंक मारिए और उस पानी को आप पी लीजिए। और तसव्वुर में ये रखिएगा, अपने कद को बढ़ता हुआ ख्याल कीजिएगा जितना आप कद बढ़ाना चाहते हैं, और पानी को बैठकर 3 सांसों में पी लीजिएगा। इस अमल के करने से आपका कद इंशाल्लाह बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। हज़रत अबू मासूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने घर वालों पे सवाब की नियत से खर्च करे वो उसके लिए सदका ही समझा जाएगा। और अगर आपको कोई मसाइल का सामना हो तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप, ट्विटर, जीमेल के थ्रू और फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।